Thank you.
Onların bir pas tekrarı yapıyoruz. Ne var efendim? Bana bir fas sayın diyor. Ya. Bana bir fas sayın Nepal katayım. Açı açı. Hadi. Koymadın mı? Nepal fas rakhenge to fas jayenge. Nepal fas jayega na. Fas hoga to fas jayega. Last mein nikla hai. Nepal last mein बोलते हैं यहाँ पे दादी जी आने वाली है यहाँ पे काठमांडू में, तो सेवा कैसे करें? जैसे एडवांस का आप देना चाहें तो कैसे कर सकते? हाँ, उनके प्रोग्राम में अगर हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो ये तो गलत बात है, पति बांटते हैं तो गलत बात है, भाषण करती है और हम खड़े होकर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो तो तैयार नहीं है। बीच में डिस्टर्बेंस को सुनने के लिए दुनिया के कोई भी धर्म गुरु ने ऐसा स्वीकार नहीं किया है कि उनकी सभा में कोई क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दे। परमिशन दें तो दूसरी बात है, लेकिन कोई परमिशन तो देते नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाए जाएं एडवांस के, और वो अच्छे अच्छे स्लोगन्स पोस्टर्स में छपा के, अब जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ चारों तरफ वो बस स्टैंड वगैरह हैं, खास खास जगह हैं, वहाँ चिपका दिए जाए। कौन चिपका है बाबा? बोले डल्लर का रात में चिपकाए जाते हैं। वो तो डर लगता है, तो शेर बाप का शेर बच्चा कहाँ से हो गए? कहाँ चोर होते हैं, रात में चोरी करते हैं, दिन में चोरी चोर हो गए बाबा, चोर हो गए, हम काहे के चोर हैं? हम तो नई दुनिया के चोर हैं। बाबा भक्ति मार्ग में चार महीने देवताओं को सेवा दिखाते हैं, इसका क्या मतलब है? टोटल महीने कितने होते हैं? बारह महीने होते हैं। एक साल में बारह महीने होते हैं, और ऋतु कितनी होती है? तीन ऋतु होती है, तीन ऋतु में कौन कौन सी ऋतु है? गर्मी, बरसात और सर्दी। वर्ष की शुरुआत कौन से महीने से होती है? गर्मियों से होती है या सर्दियों से होती है या बरसात से होती है? गर्मी, पहले गर्मी आती है, फिर गर्मी के बाद फिर बरसात आती है, फिर फिर ठंडक आ जाती है। तो भक्ति मार्ग की गर्मी में से हम निकलते हैं, तो सतयुगी और त्रेता युग की शूटिंग जो है, सतयुगी जो सतयुग है वो शूटिंग पीरियड है सन 36 से लेकर के और सन 76 तक। उसमें तो देवताएं देव आत्माएं प्रत्यक्ष होती नहीं,
देवात्माओं को जो मुखिया है नारायण, वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वो 1/3 पीरियड 40 साल निकाल दो, 40 साल भी नहीं कहें, उसमें भी 10 साल शुरुआत की तो संगम युग में संगम युग हो गया, माने 33 साल बचे। ब्रह्मा बाबा जो जीवित रहे हैं तो कितने साल तक जीवित रहे? 33 साल जीवित रहे, तो 33 साल जो है वो देवता बनने की बात नहीं थी। फिर उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ने के बाद वही बीज रूप आत्मा में प्रवेश हो जाता है ज्ञान चंद्रमा के रूप में। बाप दादा बच्चे में प्रवेश करते हैं ना, तो वहां से ये शुरुआत होती है। तो ब्रह्मा बाबा सोए हुए थे सनातन, जब तक जिंदा रहे थे जलते थे, उनकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चला ही नहीं। जब मंथन नहीं चला तो कहेंगे सोया हुआ या जागता हुआ? सोया हुआ था, इसलिए कहते हैं देवता है इतना सोते हैं इतना जगते हैं। मुख्य देवात्मा कौन है? दादा लेखराज जी मुख्य देवात्मा है। इसकी निशानी क्या है कि वो मुख्य देवात्मा है? हाँ, वो जो भी वाणी चलाते हैं वो धारणा की वाणी चलाते हैं। शिव बाबा धारणा की वाणी नहीं चलाते, क्योंकि शिव बाबा देवता तो है नहीं। देवता होगा तो देवता ही वाणी चलाएगा, धारणा की वाणी चलाएगा। ज्ञान सागर होगा तो ज्ञान की वाणी चलाएगा। बाबा आज की मुरली में ज्ञान का घमंड का क्या मतलब है? ज्ञान एक से आता है, एक बाप का बच्चा घमंड होने की बात अच्छी है खराब है? अच्छी है वो स्थूल घमंड, स्थूल घमंड जैसे अहंकार। स्थूल घमंड कहाँ है, ये तो बेहद का घमंड हो गया। स्थूल घमंड थोड़े ही है, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। और जैसे कहते हैं आत्मा अभिमान अच्छी चीज है खराब चीज है? अभिमान तो खराब चीज है, बहुत अभिमान करते हैं। तुमको अभिमान है क्या? स्वाभिमान अच्छी चीज है खराब चीज है? आत्मा का अभिमान अच्छा है या खराब है? आत्मा का अभिमान तो अच्छा है, उस आधार से खराब। ये रूप और बसंत करते हैं श्याम और सुंदर क्या है? जैसे श्याम सुंदर की बात बताई, अलग अलग एक ही नहीं, जैसे श्याम सुंदर की बात बताई उसमें अंतर सिर्फ है कि एक ही श्याम है एक ही सुंदर है। और यहाँ रूप और बसंत जो कहा जाता है उसमें एक है रूप और एक है बसंत। कौन कौन है दादा? लक्ष्मी नारायण है रूप, क्योंकि शिव की याद में रहता है, उससे ज्यादा एक्यूरेट याद में और कोई रहता नहीं। शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो रूप है। और नारायण दिव्य गुणों का आधार है, इसलिए वो रूप बसंत है। बसंत ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ खुशबू ही खुशबू होती है, तो दिव्य गुणों की खुशबुएं ज्यादा नारायण में देखने में आवेंगी या ज्यादा लक्ष्मी में देखने में आवेंगी? धाना शक्ति कौन है? लक्ष्मी। बाबा मीरा को किस दिन टैली किया जाएगा उसकी भक्ति के लिए? मीरा की भक्ति तो सर्वोपरि भक्ति है, वो तो फर्स्ट क्लास भक्ति है। उसको अगर टैली भी करे तो कोई पुरुष भक्त से टैली किया जा सकता है? पुरुषों में मुख्य भक्त है नारद, नारद है भक्त शिरोमणि वो पुरुषों में, और स्त्रियों में भक्त शिरोमणि मीरा। नारद के पास अभी इसमें डिस्ट्रिक्ट में एडवांस है अभी है?
नारदा पाठ कौन बजा रहा है? यानी एडवांस में नंबर वार नारद है। नंबर वार एक नारद है क्या? नारद नार माने ज्ञान, द माने देने वाला, जैसे कहते हैं नारायण नार आयन, दो शब्दों को मिलाएंगे तो बनेगा नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, माने ज्ञान जल ही जिसका घर है। नेपाल में तो खास यादगार बनी हुई है। हाँ बुरा नीलकंठ, तो जैसे यादगार बनी हुई है नारायण, तो वो तो हो गया संपन्न रूप, लेकिन जो अधूरा रूप है नारायण का वो ही नारद है। नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाले। दूसरों दूसरों को तो सारी दुनिया में ज्ञान जल देता फिरता है, लेकिन खुद खुद उतना धारा नहीं है, उसमें नंबर वार है। संगम भी नारायण, फिर उसके बाद सत्यु का फर्स्ट नारायण, फिर उसके बाद नंबर वार सत्यु के और नारायण, तो जो सत्यु का आठवां नारायण है वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा नारद। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाओ वैसे वैसे वो गुप्त नारायण है। नेपाल में ही बूढ़ा नीलकंठ का बनना, पशुपतिनाथ का बनना और महाकाली का नई दुनिया का पालन करने वाला कौन सा है, कौन सा नारायण है? नया नेपाल। अरे नई दुनिया की पालना करने वाला पुराना नारायण है या नया नारायण है? नया नारायण। तो पुराना होगा तो बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? बूढ़ा माने अनुभवी। तो नीलकंठ, नीलकंठ कहा जाता है शंकर को। तो शंकर और नारायण एक ही व्यक्तित्व के नाम है कि अलग अलग नाम है? नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये चारों शब्द एक ही हुए या अलग अलग हुए? एक ही हुए। अब उसको नारायण को भी सर्पों के बिल्कुल नजदीक दिखा दिया है, उनके संसर्ग संपर्क संबंध में जुटा हुआ है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही शंकर जी को भी कमर में, बगलों में, गले में, सर के ऊपर, चारों तरफ संसर्ग संपर्क संबंध किसका जुटा हुआ है? सर्पों का, काले सर्पों का। सर्प मन कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, जैसे कहावत है भक्ति मार्ग में, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। चंदन का जो वृक्ष है इतना सुगंध देने वाला संपूर्ण लकड़ी है कि उसमें चारों तरफ से सर्प लिपटे रहते हैं, जिनमें विष ही विष भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी चंदन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो फिर भी सुगंध देता है। इसलिए बोला हुआ है 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे, तो यादगार है बूढ़े नीलकंठ के। बाबा मार्ग में रामायण पढ़ने से पहले हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? राम का जो जीवन चरित्र है वो पहले प्रत्यक्ष होता है, यह कृष्ण वाली आत्मा पहली प्रत्यक्ष होती है संगम में, कृष्ण वाली आत्मा पहले, बाद में संक्षेत्र के बाद फिर राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। तो राम वाला काम बाद में हुआ है और कृष्ण वाली आत्मा का काम पहले हुआ है, इसलिए पहले हनुमान चालीसा। हनुमान का पाठ किसका है? इस समय जो राम वाली आत्मा है उसको इंस्पिरेट करने की सेवा कौन सी आत्मा कर रही है? तीन पार्टियां हैं एडवांस पार्टी में, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, एक प्लानिंग पार्टी और एक प्रैक्टिकल पार्टी। तो ब्रह्मा बाबा कौन सी पार्टी की शिरोमणि? इंस्पिरेटिंग पार्टी की शिरोमणि। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी का जो शिरोमणि है अव्वल नंबर सेवा करने वाला तो वो है, किसकी सेवा करता है? राम लक्ष्मण की ही सेवा करेगा ना, वो साकार में है।
उनको पवन सुत कहा जाता है। इसके बच्चे हवा के बच्चे, हवा का बच्चा हवाई होगा कि स्थूल होगा? हवाई होगा। कहते अपने कंधों पर बैठा के हवा उड़ा उड़ा के ले जाते हैं, क्या मतलब हुआ? एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनमें इंस्पिरेटिंग पार्टी की आत्माएं प्रवेश करके उनको ऊंचे उठाती है, उड़ाती है। ज्यादा ताकत सूक्ष्म शरीर धारणों में धारियों में होती है या स्थूल शरीर धारण करने वालों में होती है? सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों में ज्यादा ताकत होती है। राम लक्ष्मण कौन हो? कोई दूसरे दूसरे राम लक्ष्मण होते हैं, वही राम लक्ष्मण, वही हनुमान। पूरी रामायण में सुंदरकांड का इतना महत्व क्यों है? ज्यादा सुंदर है ना, सुंदरता सब कोई पसंद करता है। ऐसा कोई है जो सुंदरता को पसंद नहीं करता हो? इस कलयुग की दुनिया में तो सुंदरता को ही ज्यादा पसंद करते हैं। शिव के हैं ही तीन रूप, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम कहाँ, कौन से युग में होता है सत्यम? सत्ययुग में सत्यम 100% सत्य वहां होता है। फिर शिवम कल्याणकारी, दो हैं, एक सत्ययुग का अधिष्ठाता और एक है त्रेता का अधिष्ठाता। त्रेता का ज्ञान किसका है? राम का। सत्ययुग का गायन किसका है? कृष्ण का। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, सत्ययुग में राज्य किसका होता है? कृष्ण का, नारायण का, वासुदेव का, उनका राज्य होता है। तो सत्यम है सत्ययुग में और राम वाली आत्मा है त्रेता में। क्यों? और शिवम कैसे? हाँ, क्योंकि कल्याण जितना कृष्ण की आत्मा नहीं कर पाती है उससे जास्ती कल्याण सारी दुनिया का राम वाली आत्मा करती है। दो ऋषि गाए गए, एक वशिष्ठ ऋषि और उनके मुकाबले में दूसरे विश्वामित्र। उनका नाम विश्वामित्र क्यों पड़ा? सारे विश्व को कल्याण करने वाले विश्वामित्र थे तो क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने सारे विश्व का कल्याण किया। और वशिष्ठ ऋषि को विश्वामित्र की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। ज्यादा पावरफुल कौन थे, वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र? विश्वामित्र फिर हराया किसने किसको? पहले वशिष्ठ ने हराया, लेकिन फिर उन्होंने तपस्या की और तपस्या के बल से वशिष्ठ ऋषि को हरा दिया। इसका मतलब तपस्या से ज्यादा पावरफुल कोई और तरीका नहीं होता। तपस्या है आत्म की स्थिति, अपने देह को भूलना और अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना, यही तपस्या है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके गया ना, जब वो नहीं कर पाया। क्या? जब वो बद नहीं कर पाया। अरे वहाँ बात हो रही है, विश्वामित्र ने गऊ के लिए लड़ाई लड़ी, ये गऊ हमें चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। तो विश्वामित्र अहंकार में आ गए, उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए, उन्होंने शस्त्रों का मुकाबला उन्होंने अपने पवित्रता के दंड से किया। वशिष्ठ ने पवित्रता के दंड से जब सारा मुकाबला कर लिया, उनके कोई अस्त्र काम नहीं कर पाए, तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे मेरे तो सारे अस्त्र इसने धराशाई कर दिए, ये ज्ञान के अस्त्र बेकार है। तब उन्होंने तपस्या की और तपस्या से जो वशिष्ठ ऋषि के पास ब्रह्मत्व की पावर थी, वो ब्रह्मत्व की पावर उन्होंने धारण कर ली। वो पावर धारण करने के बाद उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को हरा दिया। विश्वामित्र तो थे नहीं, जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण तो देवता बनते हैं और देवता है देवताओं को सपोर्ट करते हैं कि असुरों को सपोर्ट करते हैं? तो सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करते हैं। और शंकर जी या राम वो सारे विश्व को सपोर्ट करने वाले, सारे विश्व का भला करने वाले, जो पतित हैं, जो गिरे हुए हैं, जो राक्षस हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं।
और जो उठे हुए हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। सारी दुनिया उनका बच्चा है, इसलिए सत्यम शिवम और सुंदरम कलयुग शिव के ये तीन रूप हैं। सत्यम कृष्ण के रूप में, शिवम राम वाली आत्मा के रूप में, और सुंदरम शिव का जो सुंदर स्वरूप है वो द्वापर और कलयुगी शूटिंग में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। दादा शंकर को मस्तक में गम क्यों बैठा है? क्योंकि जब तक कोई बच्चा बहुत प्यारा जब तक न बने तब तक माँ बाप उसको अपने सर पर नहीं चढ़ाते। जो बच्चा बहुत प्यारा होता है ना, बहुत अच्छा शोभनीक होता है, बहुत अच्छा गुण वाला, बहुत अच्छी बात करता है, तो माँ बाप क्या करते हैं प्यार में आके तो सर पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भगवान किन बच्चों को प्यार करते हैं? जो सबसे उन बच्चे होते हैं उनको प्यार करते हैं। उत्तर भारत वालों की सर्विस अभी तक भी एडवांस वालों में कोई नहीं कर सका, कोई कर सका? दक्षिण भारत वालों की तो सर्विस की, पूर्वी भारत वालों की सर्विस की, लेकिन उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश वासियों की, राजस्थानियों की, मध्य प्रदेश वालों की कोई सर्विस अभी तक कर सका? नहीं कर सका। गंगा निकलती है तो उत्तर प्रदेश वालों की सर्विस हो गया। उत्तर प्रदेश जगेगा तो सारे सन्यासी जग जाएंगे, क्योंकि सन्यासी कहाँ बैठते हैं? गंगा जी। और मुरली में भी बोला है बाबा ने, जब सन्यासी निकलेंगे तो दो बच्चों की विजय हो जाएगी। तो गंगा के जोर से निकलेंगे या अपने आप निकलेंगे? हैं? कब निकलेंगे? हैं? गंगा निकलेगी, गंगा सेवा करेगी तो सन्यासी भी निकलेंगे, तो पवित्रता के जोर से फिर तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इसीलिए गंगा को जो जगत पिता है वो कहाँ बैठा लेता है? जो अष्ट देव हैं, आठ रत्न, उनको भी ऊपर बैठाता है, लेकिन उनके बीच में कहाँ बैठा देता है? किसको? गंगा को बैठाता है। भले गंगा अष्ट देवों में नहीं है क्या, फिर भी ज्यादा सेवा करने के कारण गंगा को ऊपर बैठाया जाता है। लेकिन वही गंगा जब बाप के संबंध संपर्क में है, बाप से कनेक्शन जुटा हुआ है तो पतित पावनी। जब तक गंगा का कनेक्शन बाप से जुटा हुआ नहीं है तो नदी नहीं, नाला। राम तेरी गंगा मैं नहीं। गंगा कब निकलेगी बाबा? जब निकलेगी तो तब तो सारा सबका कल्याण हो जाएगा। गंगा को लाने वाले तो भगीरथ हैं। गंगा को लाने वाले कौन? भागीरथ ने आदमी भी निकाला होगा एडवांस, जब ज्ञान शुरू होगा हुआ होगा तो भागीरथ ने उसको ज्ञान दिया होगा, सतो प्रधान चेत का ज्ञान जरूर गंगा ने उठाया होगा। लेकिन उसके संस्कार है सन्यासी के, तो उठाया तो सतो प्रधान ज्ञान, लेकिन सन्यास धर्म की तरफ चली गई। तो जब संन्यास हो गया तो बिछड़ गई, फिर संबंध जुटेगा तो फिर काम करके दिखाई। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर की जटाओं में सिर्फ पानी की धारा नहीं निकालते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पानी की धारा। कोई माता का चेहरा भी नहीं दिखाया है, कोई जानवर का चेहरा भी नहीं दिखाया है, किसका? कन्या का चेहरा दिखाया। माने कोई कन्या है जो एडवांस में भी मान्य है और बेसिक नाली वालों के बीच में भी मान्य है। उस कन्या ने एडवांस का ज्ञान सतो प्रधान स्टेज में लिया है, लंबे समय तक गहराई से लिया है। जैसे सन्यासी होते हैं अहंकारी होते हैं, अहंकार में आकर के टूट पड़े।
मैं सर यूपी में सेवा तो हो ही रही है, जब बाप का ही यूपी से हुआ सब कुछ यूपी में हो ही रहेगी। आपका बाद में किसी सेवा हो रही है? क्योंकि गंगा नहीं निकली अभी तो बताया, गंगा निकलेगी तो उत्तर भारत में सेवा होगी। गंगा का क्षेत्र है, मगरमच्छों का देश, जगेगा कब? मगरमच्छ रहते कहाँ हैं? गंगा के अपने घर का डॉक्टर का वैल्यू नहीं होता ना। हाँ जी, हाँ जी, बाबा गणेश जी का नाक लंबी का क्या है? नाक ऊंची होना, नाक लंबी होना अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है नाक ऊंची अच्छी बात है। तो गणेश जी इतने ज्ञानी थे क्योंकि परमपिता परमात्मा और जगत 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 माता का सबसे ज्यादा प्यार किसको मिला? जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है उसके दिमाग बढ़ जाते हैं, नाक ऊंची हो जाती है। बाबा पूजा होती है देह की या पूजा होती है आत्मा की? आत्मा की पूजा होती है, आत्मा को याद किया जाता है और पूजा होती है देह की। तो जो पूजा है वो सबसे पहले देह पहले आगे आ जाती है। बाबा बहुत ही मार गया, पहला तो बॉयज को पूजा घर में मना था नहीं शंकर बोलते हैं गणेश की पूजा करते हैं। अभी बताया कि पूजा के लिए चाहिए शरीर, पूजा के लिए चाहिए स्थूल और याद के लिए चाहिए बिंदु आत्मा। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। तो भक्ति मार्ग में ये जरूरी है कि हमें साकार रूप चाहिए। तो देहवान कौन से जानवर सबसे जाति होता है? हाथी नहीं, सबसे जाति देहवान होता है तो हाथी पहले चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग वाले गणेश को पहले आगे रख देते हैं। बाप को रखने आ चाहिए आगे कि बच्चे को आगे रखना चाहिए? नेपाल में गणेश की पूजा बहुत है, नेपाल में बहुत है। हाँ, नेपाल में गणेश की ज्यादा पूजा होती है, लेकिन नेपाल में ज्यादा मान्यता किसकी है? बाबा इतने बड़े हाथी का और वाहन चूहा, चूहा वहाँ के बड़े या छोटे की बात थोड़ी है, काम करने वाले की बात है। चूहा क्या करता है? अंदर ही अंदर जमीन को सारा खोद के खोखला कर देता है। हम मकान में रहने वाले को पता ही नहीं चलता कि हम खोखले हो गए। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता ही नहीं चलता कि नीचे अंदर अंदर वो खोखला। एडवांस वाले चूहा नहीं हो गए, इसकी सवारी है, वो चूहा है। अंदर अंदर गुप्त पुरुषार्थ करता है ना चूहा। तो बाबा अभी परम पिता परमात्मा शिव को ही समझता है तब तो अभी कृष्ण और राम नाम सत्य है बोलते हैं, इसको भी सभी भूल जाना है ना बाबा? अभी खाली एकदम एक ही गुरु सत्य जो है बाबा, एक ही टीचर। समझ लिया, सत्य जो है वो सिर्फ आत्मा को सत्य कहें, या आत्मा जब इस सृष्टि पर आकर के साकार के द्वारा कार्य करे तब सत्य युग आएगा। आत्मा है शिव, वो सदैव आत्मा है, कभी भी देह नहीं है, लेकिन वो शक्ति शिव जब तक साकार में प्रवेश न करे तब तक सत्युग बनेगा क्या? इसलिए दोनों ही सत्य हैं। वो निराकार ज्योति वो भी सत्य है, लेकिन वो सदा शिव है, सदैव सत्य है, और जिसमें प्रवेश करता है वो सत्य भी है। सत्य का भी बीज है, सत्यों का भी बीज है, देवताओं का भी बीज है,
और फिर जब तमो प्रधान बनता है तो झूठ का भी बीज बोई, इसलिए मुर्गी ने बोला है कि पहले नंबर का ब्राह्मण तो पहले नंबर का देवता तो पहले नंबर का क्षत्रिय तो पहले नंबर का वैश्य तो पहले नंबर का शूद्र, हर बात में पहला नंबर। इसलिए हनुमान चालीसा में क्या लिख दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार, चारों युगों में तुम्हारा प्रताप फैला हुआ है। सतयुग में भी ऊंचते हूँ तुम, त्रेता में भी ऊंचते हूँ तुम, द्वापर में भी ऊंचते हूँ तुम, और कलयुग में भी ऊंचते हूँ तुम, कौन? हनुमान के लिए बोला ना, और हनुमान तो कोई दूसरा है ही नहीं। जो कृष्ण वाली आत्मा है राम के व्यक्तित्व में प्रवेश करती है वो फिर हनुमान का पाठ बजाती है। बाबा बक्तावर कौन है? बक्तावर माने जो सफल करे वक्त को, वक्त को श्रेष्ठ बनाए, वर माने श्रेष्ठ, वक्त माने समय, बक्तावर माने श्रेष्ठ बनाने वाला। नीच को नहीं कहा जाता बक्तावर, श्रेष्ठ कार्य करने वाले को बक्तावर कहा जाता है। गुप्त रह करके सारा शासन किया, ईश्वर माना अभी बताया शेष शासन करने वाला, लेकिन गुप्त रह करके अपने आप से भी कुछ करके अपने आप छुपाया। यज्ञ के आदि में भी रानियों को भगाया, माखन चुराया, ये है सारी प्रजापिता की कहानी है, प्रजापिता की कहानी, लेकिन अपने को छुपा दिया और बच्चे को आगे कर दिया, तो सारी महिमा किसकी हो गई? दादा लेखराज ब्रह्मा की हो गई। तो गुप्तेश्वर हुआ ना दादा लेखराज? नहीं, दादा लेखराज कहाँ हुआ, वो तो प्रत्यक्ष हो गया सबके सामने। अभी गीता का भगवान अभी कौन माना जा रहा है? गीता का भगवान साकार में अभी ब्रह्मा को मानिए, किसको मानती है? दादा लेखराज ब्रह्मा, उसने गुप्त किया क्या? नहीं, वो तो प्रत्यक्ष हो गया। नाम भी किसका रख दिया? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में प्रजापिता का नाम तो हटा दिया, किसको प्रत्यक्ष कर दिया? ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कर दिया ना, तो आपने वो तो प्रत्यक्ष कर दिया, और बाप को प्रजापिता का नाम गुप्त कर दिया, तो उसे गुप्तेश्वर कहेंगे? अभी दादा लेखराज ब्रह्मा को गुप्तेश्वर कहेंगे? नहीं कहेंगे, उन्होंने तो अपने आप को प्रत्यक्ष कर दिया। गुप्तेश्वर कौन हुआ? जिसने ये तो है, लेकिन बाबा शब्द भी जुड़ा हुआ है। बाबा कहते ही साकार निराकार का मेल, माने यज्ञ के आदि में कोई और व्यक्तित्व था जिसके द्वारा ये सारा कार्य रचा गया, वो ही गुप्तेश्वर हुआ। जो आदि में है वो ही अंत में भी प्रत्यक्ष होगा, अभी भी गुप्त है। अभी अगर गुप्त ना होता तो घड़ी घड़ी अभी संशय आता, ये क्यों आता? अभी घड़ी घड़ी संशय आता ही नहीं बाप के पार्ट के ऊपर, अरे ये भगवान है कि शैतान है, है कि नहीं है। भक्ति मार्ग में मंदिर भी बता, भक्ति मार्ग में मंदिर भी बनाता है गुप्तेश्वर की, यादगार है मंदिर, मंदिर नेपाल में। ब्रह्मा ने 12 गुरु क्यों किए, 11-10 क्यों नहीं किए? ब्रह्मा बाबा जो है उन्होंने यज्ञ के आदि से लेकर के शूटिंग पीरियड में कितने बच्चों की बात मानी? सबकी बात मानते रहे या एक के एक को पहचान करके एक की बात मानते रहे? चंद्रवंशी बच्चों की भी बात मानी, इस्लाम वंशी बच्चे आए उनकी भी बात मानी, कुमार का दादी की भी बात मानी, विश्वेश्वर भाव की भी बात मानी, रमेश भाई आए उनकी भी बात मानी, मुंबई के
क्रिश्चियंस की भी बात मानी, बौद्धियों की भी बात मान ली, क्या ऐसे नहीं कि मानो उन्होंने दीदी की बात नहीं मानते थे, उनकी भी बात मानी, क्रिश्चियंस की भी बात मानी, बौद्धियों की भी बात मानी, सन्यासियों की भी बात मानी, सिख धर्म का जो गुरु हुआ, मुखिया हुआ, जो ब्रह्मा कुमारों ने सिख धर्म के मुखिया मुखिया बच्चे थे, उनकी भी बात मानी, माने जो जो धर्म वाले आते गए सब के पांव पड़ते रहे, तो भक्त का पार्ट हो गया। तो भक्ति तो जहाँ सब जगह भटकती है, और ज्ञानी राम वाली आत्मा है ज्ञानी, वो कहीं भटकने की दरकार है नहीं, तो इसलिए बार है भक्त यहाँ सूचित पीरियड में भी किए, तो वहाँ भक्ति मार्ग में भी बार है गुरु होते। भैरव कहते हैं भयंकर, काल भैरव माने काल कहते हैं समय को, समय बड़ा प्रबल है कहते हैं ना, समय सबसे जास्ती प्रबल कौन है, समय, तो समय कौन है उसको काल कहो, ड्रामा कहो, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मैं माने भगवान, और भगवान से भी ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, काल, काल माने समय, वही काल भैरव है जिसको महाकाल कहा जाता है, महाकाल का रूप है शंकर का, महाकाली, महाकाल और महाकाली। राम को वनवास क्यों जाना पड़ेगा, राम को वनवास क्यों मिला, माता का क्वेश्चन। राम की आत्मा ने 84 जन्म लिया या नहीं लिए, 84 जन्म लिए ना, और 84 जन्म लिए तो उसमें सबसे बड़ा से बड़ा ज्यादा से ज्यादा राजा ही किसने की दुनिया में, राम राजा, राम वाली आत्मा जितना राजा ही करती है, इतनी राजा ही और दुनिया में कोई नहीं करता, तो राम वाली आत्मा जब राजा बनेगी द्वापर कलयुग में, बड़े बड़े राजाओं के बीच में उनका नाम होगा, तो राजा ज्यादा पाप करते ही नहीं है, कोई के ऊपर थोड़ी टेढ़ी नजर हो गई, निकलो हमारे राज्य में से बाहर, राजा अहंकार में आते थे कि नहीं है, तप कर राज, राज कर नरक, तो पाप कर बहुत करते थे, प्रभुता पाही काही मदनाही, जिसको प्रभुता मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो उसको बहुत क्या आता है, अहंकार बहुत आता है, और जब राजा अहंकार में आते थे तो किसी को भी कोई भी दंड दे देते, तो राम का राज्य तो अच्छा ही होता है, लेकिन अहंकार में आकर अगर किसी को दंड दे दिया तो बेचारे को कांटों के जंगल में भटकना पड़ेगा कि नहीं, भटकना पड़ेगा ना, इसलिए उनको कांटों के जंगल में भटकना पड़ता है, 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, और राम को ही कांटों के जंगल में नहीं भटकना पड़ता है, जितने ही राम के फॉलोअर्स हैं राम संप्रदाय सबको नंबर वार भटकना पड़ता है, तुमको धक्का मिला कि नहीं, धक्का मिला ना, तो कभी उनको कभी राजा ही की होगी पिछले जन्म में, उनको कान पकड़ के बाहर किया होगा अपने राजा ही में से, तब तुमको धक्का मिला, कैसे धक्का मिल गया, ये अंतर है कि तुमने अपनी इतनी बड़ी राजाई में से उनको बाहर निकाल दिया खदेड़ के, उन्होंने अपने सेंटर की चार दीवारी में से निकाल के बाहर कर दिया, पूरा हो गया। और एक बात, तुमको जब निकाला गया था, नहीं तुमने जब उनको निकाला था तो भगवान उनका सहयोगी नहीं था, हाँ, और तुमको जब निकाला गया तो भगवान, तो भगवान तुम्हारा सहयोगी है, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है तुमको, अनि त्यो आत्माले भोग्छ वा शरीरले भोग्छ, आत्मा सुख दुःख भोग्ती है, लेकिन भूत प्रेतों की आत्मा सुख दुःख भोग्ती है,
दुख देती भी है, सुख लेती है या नहीं? सुख तो नहीं लेती है। नहीं नहीं, सुख लेती भी है, दुख देती भी है, लेकिन उसके पाप कर्म नहीं बनते। वो जिसमें प्रवेश करता है उसके पाप कर्म और पुण्य कर्म बनते हैं। क्या? जैसे ब्रह्मा की सोल है, राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है, राम वाली आत्मा में प्रवेश करके बाप दादा बच्चों से सेवा कराते हैं, तो सेवा का फल विशेष किसको मिलता है? देहधारी को मिलता है या आत्मा को मिलता है? देहधारी को मिलता है। ऐसे यहाँ बाबा शिवलिंग के ऊपर वो फन फैलाए हुए दिखाते हैं ना, क्या शिवलिंग के ऊपर कभी पांच कभी सात फन फैलाए हुए दिखाते हैं ना सर पर, तो वो क्या विकारी हो गया वो? तो फिर पहले समझना है कि शिवलिंग का क्या है, कौन है, कौन है शिवलिंग? तो शिव कौन है और शिवलिंग कौन है? शिव और शिवलिंग में अंतर है या नहीं है? शिव है बिंदी का नाम, शिवलिंग जो बनाते हैं उसमें बिंदु रखते हैं, शिवलिंग जो सोमनाथ मंदिर में बनाया उसमें हीरे का सितारा रखा, सितारा क्या है और वो लिंग क्या है, अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? अंतर ये है जो सितारा है वो शिव की यादगार है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं कि वो बिंदी बदल करके इतना बड़ा लिंग हो जाती है, लेकिन मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो पुरुषार्थ के आधार पर ऐसी स्टेज बना लेता है परमानेंट कि वो लिंग रूप बन जाता है, वो शरीरधारी ऐसा शरीरधारी बन जाता है जिसको अपने आंख नाक कान इंद्रियों की जैसे स्मृति ही नहीं रहती। इसलिए कहते कि कान होते हुए भी दुनिया की ग्लानि सुनते हुए भी नहीं सुनता, आंखें होते हुए भी दुष्ट बच्चों के दुष्ट कर्मों को जैसे देखते हुए भी नहीं देखता, ऐसी उसकी सब कर्म इंद्रियों का स्वरूप बन जाता है। तो लिंग है प्रजापिता के साकार स्वरूप की निशानी, और बिंदु है की निशानी। अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ? नहीं, जो शिवलिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर जो फन है वो कोई दूसरे पांच विकारी हैं, जो रावण के पांच मुख दिखाए जाते हैं वो पांच मुख हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो पांच विकार अलग हैं और पांच तत्व हैं रावण के दूसरे पांच मुख, जिन्हें स्त्री मुख कहा जाता है, जल तत्व वो है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो पृथ्वी माता ये कोई आत्मा रही होगी ना, वायु देवता ये कोई आत्मा रही होगी ना, अग्नि देवता कोई आत्मा रही होगी ना, तो ये पांच विकारी हैं, पांच विकारी ब्रह्मावत रावण के प्रतिरूप है, ये भी एक स्लोगन हो गया। क्या इनके चित्र होते हैं और वो कोई चरित्रधारी होते हैं या नहीं होते हैं? तो रावण का भी चित्र है तो चरित्र खेलने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो पांच विकारी जो ब्रह्मावत हैं वो रक्षक भी बन जाते हैं, किसके? शिवलिंग। वो ही सर्प के रूप में दिखाए गए हैं जो शेष सैया दिखाई गई। उसमें पंचामृत चढ़ाते हैं ना, किसमें? गाय का दूध, शिवलिंग के ऊपर पंचामृत। गाय का दूध अमृत नहीं है? ये भी पांच अमृत डाले जाते हैं, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का घी ये डालते हैं ना, गाय का दही, ये सब अमृत ही है। गाय कौन है? कन्या माता ही गाय है। गऊ के मुख से ज्ञान अमृत,
पंचामृत का काम करेगा या पुरुषों के मुख से जो ज्ञान सुनाया जाएगा उससे सदगति होगी? क्यों कन्या? तो अपना नाम पहले ले लिया, माता की छोटी है, कन्याएं माताएं दोनों ही गौए हैं, कन्याएं भी गौए हैं और माताएं भी गौए हैं। गौओं के मुख से जो ज्ञान अमृत निकलेगा उस ज्ञान अमृत से गंगा बहती है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिया, गौ मुख से गंगा निकली। बालक जी माँ गौ को मुख से पानी उतारा। जो ये गंगा जी जहाँ से उतरती हुई दिखाई गई है ना, हाँ वहाँ गौ मुख दिखाया गया पहाड़ के ऊपर, और गौ मुख से पानी निकलता है, वो पानी नीचे आकर के गंगा बन जाता है। बाबा कलयुग ने केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरे पारा। भक्ति मार्ग में नाम की महिमा है, लेकिन भक्त बिचारे जानते नहीं है नाम का आधार क्या है। नाम क्यों होता है किसी का बाला? कोई भी व्यक्ति का नाम बाला क्यों हो जाता है? काम क्या? जरूर उसने कोई काम किया है, इस बात पर भक्त लोग विचार नहीं करते है। काम की बात कि किसने कितना बड़ा काम किया है, उस बड़े काम के आधार पर उसका इतना बड़ा नाम भक्ति मार्ग में बाला हो जाता है। तो भक्त लोग उसे भी यही कहते हैं, हाँ नाम लेते रहो, नाम लो नाम लो, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं बैठती है। नाम अपने आप नहीं हो जाता है, नाम काम के आधार पर होता है। तो काम करना अच्छा या नाम लेना नाम जपना अच्छा? काम करना अच्छा, बातें कम और काम ज्यादा। तो अभी ये संगम युग की बात है, संगम युग में जो कुछ भी होता है वो सब प्रैक्टिकल होता है, और भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं और बतबड़ बहुत ज्यादा होता है। तो भक्ति मार्ग में है नाम और ज्ञान मार्ग में है काम। काम ज्यादा प्यारा या चाम ज्यादा प्यारा या नाम ज्यादा प्यारा? ना नाम ज्यादा प्यारा ना चाम ज्यादा प्यारा, काम करके जो दिखाए सो ज्यादा प्यारा। उसमें जो काम करके दिखाया होगा तो ही दिखाया। ऐसा काम कोई मनुष्य कर सकता है कि रहे कीचड़ के अंदर, कीचड़ की दुनिया में ही जगह पड़ा रहे और मन बुद्धि आत्मा से उपराम रहे? ऐसा काम कोई मनुष्य करके दिखा सकता है? मनुष्य की तो बुद्धि तो और उसमें निपट जाएगी, संग करण लग जाएगा, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े महात्मा हुए हो, अगर गृहस्थी के अंदर रहेंगे तो गिरिहस्थी बन जाएंगे। और शंकर जी ऐसे बढ़िया गृहस्थी है, कौन का चित्र देखो कैसा दिखाया गया, उसी में रहे पड़े हैं। क्या पार्वती का स्त्री का जो रूप दिखाया गया है स्त्री चोला, उसी में रहे पड़े हैं, 24 घंटे वहीं रहे पड़े हैं, लेकिन फिर उनकी पूजा किस आधार पर होती है? पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। किस आधार की प्योरिटी? ब्रह्म कुमारियां क्या समझती है तो पतित है। अरे पतित नहीं है, मन बुद्धि से उपराम है, इंद्रियां भले हैं दिखाई पड़ रही है। जैसे कोणार्क मंदिर में देवताओं के चित्र कैसे हैं, गंदे गंदे चित्र दिखाए हैं, तब गवर्नमेंट में ताकत है उन चित्रों को बंद कर सके? इतने अश्लील जो चित्र दिखाए हैं देवताओं के, गवर्नमेंट की ताकत उन चित्रों को निकाल के बाहर करे? जरूर कोई पावर है। क्या पावर है? वो पुरुषार्थ जीवन के चरित्र है, उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ किया है? कि कीचड़ में रह करके अपनी मन बुद्धि को उपराम बनाया है, लेकिन नंबर बार उपराम बने। इसलिए एक ही स्वरूप की पूजा होती है और देवताओं की सारी इंद्रियों की पूजा होती है, महिमा होती है। मुख कमल, नेत्र कमल, पाद कमल, हस्त कमल पूजा होती है ना देवताओं की, लेकिन शिव की सिर्फ लिंग की ही पूजा जो मनुष्य कर ही नहीं सकता और इंद्रियों को उपराम बना सकता है, लेकिन लिंग जब कनेक्शन में आता है तो बिना एक्साइटमेंट में आए मनुष्य रह नहीं सकता।
का वो पार्ट जो है वो शिव ने बजाया है, इसलिए शंकर को दिखाते हैं डिसिपियर, जिस कहा जाता है व्यभिचार को। तुम सब पार्वतियां हो, पार्वती एक है कि सब है? सब पार्वतियां। क्यों? क्योंकि वो सबके संसर्ग संपर्क में आते हुए भी संग के रंग से परे रहते हैं। बाबा फिर तुम लोग सब पार्वतियां हैं क्या? सीता है और द्रौपदी है बोलते थे, ठीक है। तुम लोग राधे कभी भी नहीं बोला? राधे तो सिर्फ एक को ही प्यार करने वाली होती क्या? एकलव्य तो सिर्फ एक ही होता है और राधे भी सिर्फ एक ही होती है, वो अनेक नहीं हो सकती। राधा, रा माने राम, धा माने धरी रहे बुद्धि, जिसकी जिसकी बुद्धि सिर्फ किसमें धरी रही? राम में धरी रही, भगवान में धरी रही, और कहीं भी उसकी बुद्धि जाए नहीं सकती। सब गोपियों ने रोना चिल्लाना पीटना शुरू कर दिया, अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, कंस के दरबार में जा रहे हैं, अब ये लौटेंगे नहीं, अब तो वहाँ राजाई के भांति बन के रह जाएंगे। सब रोने लगी और राधा ने क्या कहा? अरे चाहे जहाँ जाने दो, जहाँ भी पहुँचेंगे वो कल्याण करेंगे सच्ची का, उनके कल्याण करने का हिस्सा हमको भी मिल जाएगा। तो मन बुद्धि से वो भगवान में धरी हुई थी या साकार से इतने था उसका? अभी भी प्रैक्टिकल जीवन में जो राधा का पार्ट बजाने वाली है वो देह के साथ चिपक के रहना उसको अच्छा लगता है या मन बुद्धि से रमी हुई है? और जगदम्बा, जगदम्बा देह के साथ लगातार रही। तो बाबा ने मुरली में बोल दिया कि मेरे साथ रहने वाले प्रैक्टिकल जीवन में साकार शरीर के साथ, वो मेरे साथ रहने वाले मेरे को भी पहचान पाते, लेकिन दूर रहने जो दूर रहने वाली है उसने पैसे, लेकिन वो एक ही निकलती है। कोई दूसरा कहे कि हम भी ऐसा पार्ट बजा लेंगे, असंभव। तो एकलव्य भी एक ही होता है और राधा भी एक ही होती है। और नेपाल में प्रश्न तो बढ़िया बढ़िया निकालते हैं। मच्छिंद्र नाथ का भी चर्चा नेपाल में चलता है। मत्स्येंद्र, मत्स्य, मत्स्य माने मछली, और उसका इंद्र, इंद्र माने राजा। भगवान ने मछली का अवतार लिया ना, मछली का मत्स्या अवतार। तो मछली कौन है? मछली तो नहीं, ये तो मगरमच्छ है। तमो प्रधान बनता है तो मगरमच्छ है। मछली कौन है? मगरमच्छ तो सबको निगल जाता है, सारी मछलियों को। मछली थोड़े ही मगरमच्छ को निगल जाती है। हाँ, मत्स्य अवतार, मछली का अवतार लिया। उस मछली की कथा ये है कि रेती जी महाराज स्नान करने गए तो कमंडल में उन्होंने जर भरा, उसमें एक मछली आ गई। जब तक घर आए तब तक देखा तो कमंडल में मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसमें से निकलना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने तोड़ करके उस मछली को घड़े में डाल दिया, बड़े घड़े में। वो थोड़े दिन के अंदर, दो चार दिन के अंदर वो घड़ा भी भर गया। उन्होंने घड़ा फोड़ा और मछली को निकाल करके एक बड़े टब में डाल दिया। दो एक दिन में वो टब भी सारा भर गया, बड़ी हो गई। फिर उसमें से निकाला, उसमें से निकाला और एक तालाब जैसा बना दिया, उसमें डाल दिया। वो बहुत बड़ी हो गई, तालाब में नहीं समाई। फिर उसमें से निकाला, नदी में डाल दिया। जिस नदी में डाला नदी का पानी हो गया। वहां से भी निकाला सागर में। अरे मुझे पूरी बात तो बजाने दो। बाबा चलो हम बंद कर लेते हैं। नहीं बाबा, अगली बात कर लेते। नहीं बाबा, बाबा ये सब
वो देर हो जाएगी वो नहीं बाबा बात मच्छिंद्र नाथ हरपन पूजा होती है नेपाल में कितनी बेकार होता है मछलियों मछलियों की पूजा आई उसका कहना मछलियों में बुद्धि क्यों लगाते हैं नहीं नहीं मच्छिंद्र नाथ की पूजा आसाम नेपाल में होती है भगवान बुद्धि लगाओ ना ये आखिर क्या रहस्य क्या है आसाम पूजा होती है नेपाल में ये कुछ दूसरी बात कुमारी पूजा होती कुमारी पूजी जाती कुमारी देवी पूजी जाती भोग माने मच्छेंद्र वाली बात न बताएं अच्छा वोटिंग डालो अच्छा मच्छेंद्र नाथ की बात पूरी कर दे फर्स्ट कम फर्स्ट तो मछली का अवतार कौन है वो मछली कौन है जो बड़ी होती गई बड़ी होती गई सागर में भी सागर में जाके सागर में इतना रूप है सागर तो सबसे बड़ा है उसमें जाकर वो समा गए तो इसका मतलब ये है कि वो जगदम्बा का ही रूप है जो दीदी दादी दादियां इतना बड़े दुनिया की पालना नहीं कर सकती है जितने बड़े ब्राह्मण परिवार की अभी पालना होने वाली है वो तो बड़े ब्राह्मण परिवार में बेसिक वाले भी समा जाएंगे बेसिक की सारी दुनिया समा जाएगी एडवांस की भी सारी दुनिया उस ब्राह्मण परिवार में समा जाएगी और बाहरी दुनिया के जो ब्राह्मण निकलेंगे और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले वो भी सब उसमें समा जाएंगे जो भी 9 लाख ब्राह्मण तैयार होंगे उन सब की पालना कौन करेगी जगदम्बा इतनी बड़ी हो जाएगी लेकिन उसका रूप लगातार बढ़ता ही चला जाएगा आखिरी कहाँ समा जाएगी सागर सागर में सागर में उसकी कोई यादगार बनाई है चार चित्रों में क्या पानी डूबी जा दिखाई है कि नहीं वही जगदम्बा इतना बड़ा रूप धारण करके सारे ब्राह्मण परिवार की पालना करने के बावजूद भी अंत में जब भगवान का रूप प्रत्यक्ष होगा तो वो सागर में चलो भाई पूरा नहीं है बाबा क्या नहीं हुआ पूरा इंद्र को भी बात क्या अरे उसका उसका राजा कौन है सागर तो मत्स्य का इंद्र हुआ इंद्र माने राजा मत्स्य माने मछली मछली का राजा कौन हुआ अरे जिस सागर में समा गई वही तो मत्स्येंद्र नाथ हो गया अभी नहीं समझ में कुछ अपने आप बाबा जी यादगार हो गए जगदम्बा तो मछली से चले गए एक बात बताओ उस पार्टी का नाम ही है माओवादी 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 इसका अर्थ क्या हुआ हो अम्मा वादी इनका तो प्रभाव इतना बढ़ेगा जितना मत्स्य का बढ़ गया इतना जगदम्बा का प्रभाव दुनिया में बढ़ता है इतना प्रभाव माओवादियों का बढ़ेगा सिर्फ नेपाल की ही बात नहीं है इंडिया में भी छा जाएंगे इंडिया अभी इंडिया में तो वही है यहाँ तो ले लिए इंडिया में ले लेंगे अरे जगदम्बा जो है वो सारे विश्व के ऊपर राज्य नहीं करेगी राज करेगा खालसा वो खालसा कौन है सिख धर्म में मानी जाती है तो जरूर सिख धर्म से निकली होगी पंजाब के खून से कौन निकली अव्यक्तवाणी में भी बोला है ब्यासी त्रासी जो अव्यक्तवाणी बोली है उसमें भी बोला है पंजाब का खून कन्यादान में सबसे आगे गया कैसे ब्यासी त्रासी में ही गया उससे पहले नहीं गया चंद्रमणि जाति पहले नहीं सरेंडर हुई थी कन्यादान पहले चंद्रमणि जाति का हुआ
या व्यासित राशि में हुआ, व्यासित राशि में जरूर वो कन्या निकली। कौन? एडवांस पार्टी की पहली पहली कन्या जिसने आगे कदम बढ़ा दिया, समर्पित होने, जिसके पीछे पीछे अभी 500-700 कन्याएं अब सरेंडर हुई गई थी। बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा के रहते रहते 300-400 ही सरेंडर हुई थी, और ये तो संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ जाएगी। कायन है, उठा लिया, क्या उठा लिया? गोवर्धन पहाड़। गौएं इतनी बढ़ी, वर्धन माने बढ़ी, गौएं इतनी बढ़ी कि 16108 का पहाड़ बन गया। वो तो उंगली के आधार पर उठाया गया, इन उंगलियों के आधार पर नहीं उठाया गया, जो सबसे छोटी उंगली है, सबसे कमजोर। रुद्रमाला में सबसे छोटा मड़का कौन सा है, पहला या लास्ट का? लास्ट का मड़का जो पहला वो नहीं, लास्ट का मड़का जो छंगली छोटी उंगली है उसके आधार पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, इसकी पालना की। आज नहीं गुप्त लास्ट उसमें प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो डूबी जाए कैसे होगी? बाप का बच्चा जो है वो नंबरवार होते हैं कि सब होते हैं? आठ होते हैं बाप के बच्चे जो सजा नहीं खाते, या सारी दुनिया बाप के बच्चे होते हैं? अरे नई दुनिया शुरुआत कितने से होगी? या सजा खाने वाले भी उसमें गुजर देंगे? नई दुनिया में सजा खाने वाले गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? डालेंगे, नहीं डालना चाहिए। पूरा परिवार निकला हो उस घर में रखना ज्यादा अच्छा है। एक ही माता निकली है तो घर के दूसरे परिवार के सदस्य अगर सहयोगी है तो रख सकते हैं, लेकिन सहयोगी नहीं है, एक दो सदस्य ज्यादा विरोधी है तो वितंडावाद भी पैदा हो सकता है, सर्विस की जगह से सर्विस हो जाएगी। बाबा ने